दोस्तों, अगर आप चंद्रशिला के लिए ट्रैक करते हैं तो आपको रास्ते में काफ़ी बर्फबारी दिख सकती है दोस्तों। जब भी आप आ रहे हैं किसी भी महीने में, यहाँ पर पता नहीं चलता है दोस्तों कि मौसम कब बदल जाए। खैर, अभी तो आज हम अच्छे मौसम आए हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी धूप लगी है। और हमारे ट्रैकर से अब थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आके। बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये है आयुष। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। ना, उसके अलावा अभी कुछ। और विनय जी हैं, अब यहाँ पर ये पूरा वो बताएंगे यहाँ का। बहुत बढ़िया, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ, मतलब यहीं से ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे चल के आ गए हैं। जी एकदम। अभी चल रहे हैं हम चंद्रशिला की ओर। तो अभी दिखाएंगे चंद्रशिला का मंदिर, जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी माना जाना वाला मंदिर है। जी, और बिल्कुल अब मैं यहाँ पर आपको, दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम जब वो पूरे वनवास काट कर राजपाट छोड़कर यहाँ पर विश्राम करने आए थे, तुंगनाथ महादेव के ऊपर है चंद्रशिला। तो इस चोटी पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर आराम किया था, कई वर्षों तक किया था। तो इस कारण से यहाँ पर तब से मंदिर का निर्माण हुआ। अरे कहाँ जा रहे थे, कहाँ क्या घूम रहे थे हर जगह? दोस्तों, जब भी आप ऐसे माउंटेन्स पे आए ना, तो अपनी पूरी प्रिकॉशन के साथ आएँ, और ख़ासकर अपने जूते और हाथ पर एक लट्ठी ज़रूर रखें, जिससे कि आपको अच्छी सी ग्रिप बन सके। ठीक है, तो नहीं तो आपका ऐसा हाल हो सकता है। ऐसे जूते आप कृपया अवॉइड करें, हो सके तो ऐसे ट्रैकिंग वाले जूते लाएँ। ठीक है, हम तो खैर पहाड़ से हैं तो हम कर लेंगे यहाँ पर मैनेज, बट जो बाहर से आए हुए ना, उनके लिए खासकर ये महत्वपूर्ण जानकारी। आप अच्छे से आइए एंड अपना वक्त यहाँ पर अच्छे से गुजारिए। जो चंद्रशिला मंदिर है वो उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे ऊंची चोटी पर स्थित मंदिर है। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री राम ने तपस्या की थी कई वर्षों तक, जो कि ठीक तुंगनाथ भगवान महादेव के थोड़ा सा ऊपर ही है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हम धूप लाए थे। खैर, यहाँ पर सब कपाट बंद हैं। वैसे तो यहाँ पर एक महात्मा जी बैठते हैं, जो कि अंदर पूजा अर्चना और पिठाई लगाते हैं सबको। तो ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। बस बस बस, आप भी यहाँ से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। दिव्य मंदिर है यहाँ पर दोस्तों। और अब आपके लिए हम एक थोड़ा सा एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री राम दोस्तों। तो यहाँ पर आपके लिए एक मंत्र पेश है चंद्रशिला की। हर हर महादेव बोलो। हर हर महादेव। हर हर नहीं बोलना, वो बोलना कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम संजावसंतम भवम भवानी सरणम नमः। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर विनय प्रसाद वितरण करते हुए। हर हर महादेव, जय श्री राम दोस्तों। वो बंदा आ रहा पीछे से। This is the real life of Pahadi। अब हम चंद्रशिला से नीचे आ चुके हैं तुंगनाथ में, और बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मज़ा बहुत ज़्यादा आया, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ नहीं दोस्तों, जो रात का स्टे होगा वो हमने सोचा है कि हम गौरीकुंड में करें। और बाकी उसके लिए हम कल सुबह 3 या 4 बजे से अपनी केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, बर्फबारी काफ़ी हो रही है यहाँ पर दोस्तों। दोस्तों, आशा है, उम्मीद है आपको तुंगनाथ चंद्रशिला वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्ते जी। हर हर महादेव। जय श्री राम दोस्तों।